हेलो दोस्तों, मैं पीआर योगी। आप देख रहे हैं रणथंबोर क्लासेस चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 75 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिटेक्शन लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी कि सर 70 तो लिखी जाती है लेकिन 80 की स्पीड में डिटेक्शन प्रॉपर नहीं लिखी जाती। इसलिए आज मैं आपके लिए 75 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिटेक्शन लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह डिटेक्शन सीआरपीएफ, राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, लोकसभा, रेलवे, कई भर्तियों में डिटेक्ट की जाने वाली डिटेक्शन है। दोस्तों, यह डिटेक्शन राजस्थान पत्रिका संपादकीय से ली गई है। दोस्तों, डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है, कौमा, उसने पूरे यूरोप को हैरत में डाल दिया है, विराम। ऑस्ट्रिया एक शांत देश है और वहां पर इस तरह की घटना अप्रत्याशित कही जा सकती है, विराम। जिस तरह से प्रशिक्षित हथियारबंद आतंकियों ने एक साथ हमले किए, कौमा, उसने पूरे यूरोप को सोचने पर मजबूर कर दिया है, विराम। फ्रांस से रूस शुरू हुए हमलों का दायरा अब पूरे यूरोप में फैलता जा रहा है, विराम। एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की बात मजबूत होने लगी है, विराम। कभी भारत ही आतंकियों के निशाने पर था, विराम। भारत ने अपने बलबूते पर आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला किया, विराम। इस बीच कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने पूरी दुनिया को एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करने की अपील भी की थी, कौमा, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा, विराम। अमेरिका, कौमा, ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, विराम। आज आतंकवाद की चपेट में पूरा यूरोप आता हुआ दिखाई दे रहा है, विराम। जिस तरह से एक घटना के बाद लगातार सुनियोजित तरीके से क्रमबद्ध हमले हो रहे हैं, कौमा, उसने यूरोपीय देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, विराम। खुद फ्रांस ने जिस तरह की एयर स्ट्राइक की और 50 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, कोमा, यह उसी ओर इशारा करता है कि अब पीड़ित देश इसका जवाब देना चाहते हैं, विराम, पेरा चेंज। खैर, कोमा, यूरोप आज आतंकियों के निशाने पर आ गया है, विराम। फ्रांस ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है और खुद अलकायदा समर्थित आतंकियों के खात्मे के लिए सेना लेकर मैदान में उतर गया है, विराम। दूसरे देशों से भी यही उम्मीद होगी, विराम। संभव है कि अब आतंकियों के खिलाफ
कार्रवाई के लिए ज़्यादा देश एक साथ आ जाएं। विराम। मुश्किल यह है कि अब भी कई देश आतंकवादियों को पोषित एवं पल्लवित कर रहे हैं। विराम। ऐसे देशों का सामूहिक तौर पर बहिष्कार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कृष्णवाचक। इससे भी बड़ा संकट आने वाले दिनों में मुस्लिम देशों और यूरोपीय देशों के बीच में खड़ा हो सकता है। विराम। यह संकट होगा भरोसे का। विराम। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच भरोसे का संकट है, कोमा ठीक वैसा ही पूरी दुनिया के सामने भी हो सकता है। विराम। ऐसे में जरूरी है कि मुस्लिम देश भी आतंकवाद की लड़ाई में बिना किसी भेदभाव के मैदान में आए और गलत लोग और देशों का साथ देने से परहेज करें। विराम। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में मुस्लिम देशों के लोगों को यूरोपीय देशों में नई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विराम। फ्रांस ने जिस तरह से आतंक का शिकार होने के बाद अपनी लड़ाई शुरू की है, कोमा ठीक उसी तरह से अब पूरी दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा। विराम। स्टॉप। दोस्तों, डिटेक्शन आपको पसंद आई होगी, आप लोग ट्रांसलेशन करें और चेक करें। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो रणथंबोर क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।